हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ बता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं, तो कैमरे ऑन करते हैं यहाँ पर सेट। और आप सभी क्या बातें करते हैं? नहीं, बातें नहीं करते हैं, काम करते हैं। आटा मैंने मांड के रखा हुआ है, तो रोटी बनाती हूँ। तो पापा जी पापा जी के लिए खाना बना के दे देती हूँ। पापा जी को शायद कहीं जाना है, तो फटाफट से हम बनाते हैं रोटियाँ। और दूध बॉईल करके आज मैंने मॉर्निंग में ही रख दिया दूध बॉईल करके। और सब्जी भी हो चुकी है, तो करते हैं अपना काम शुरू। चाय चाय पी ली है। कपड़े धोने के लिए आज संडे है, तो कपड़े धोने के लिए मैं मशीन लगाना चाहती थी, पर संडे के दिन ऐसा होता है ना, मोस्टली लाइट चली जाती है, तो पूरे दिन के लिए नहीं आती, तो लगाई नहीं थी। पर अभी आ रही है, तो पहले खाना बनाने के बाद फिर लगाएंगे हम कपड़े धोने के लिए मशीन, तो फिर उसके बाद वो काम करेंगे। तो चलो खाना बना लेते हैं। तो हे गाइस, मैं बनाने लगी हूँ घिया के कोफ्ते, जिसके लिए घिया ले आई हूँ। लेकिन आई हूँ मतलब ला के तो इन्होंने ही रख रखा था, मैं फ्रिज में से निकाल के लेके आई हूँ। और इसको बस छीलती हूँ, और कद्दूकस वगैरह जो भी करना है, मैं सोचू कद्दूकस ना करके चॉपर में इसको, क्योंकि चॉपर में भी बिल्कुल अच्छे से वो हो जाता है, तो वो करती हूँ। देखती हूँ, फर्स्ट टाइम करूँगी अगर इस तरीके से बनाऊँगी तो मैं घिया के कोफ्ते, अदरवाइज़ तो मैं कद्दूकस ही। कुछ गिरा गिरा मीन्स क्या पता, दीवार ही चढ़ के गिरी हो, कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा लगा कुछ गिरा है। और फैन मैंने ऑफ़ किया हुआ है, तो आपको आवाज़ अच्छे से आ ही रही होगी। तो चलो मैं इसको छील लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब कट कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी चॉपर में भी डालने से पहले थोड़ा सा कट करना पड़ता है, तो वो कर लेती हूँ। ठीक है, बैठे आराम से, और फिर करते हैं इसको जल्दी से शुरू। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चॉपर में ही करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने उसको घिया को धो के कट कर लिया था, और उसके छोटे छोटे मतलब ज़्यादा छोटे नहीं, ज़्यादा बड़े भी नहीं, उस तरीके से उसके कट कर लिया है पीसेस को। और चॉपर में इसको अच्छे से कर रही हूँ, तो उसमें मैंने थोड़े डाले, फिर उसको चॉप किया, फिर थोड़े से और उसमें डाल दिए, फिर उसको भी अच्छे से चॉप कर लिया है। और अच्छे से चॉप करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से जैसे ग्रेट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे हो गया था। तो देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो चॉपर से ना काम बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए। इवन मैं ना गाजर का हलवा भी इसी में चॉप करके बना लेती हूँ, जब से ये आया है। और वैसे मैंने बिना कद्दूकस और बिना किसी उसको करके ना, आप कैसे कुकर की हेल्प में से ही घिया का गाजर का हलवा बना सकते हैं, वो मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। पर अब तो गाजर नहीं आ रही है मार्केट में, जब सर्दियों में दोबारा से गाजर आएगी ना, तब दोबारा से मतलब मैं गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हर हफ्ते या हर दूसरे महीने ना गाजर का हलवा बन ही जाता है मेरे घर में। ये होता है क्योंकि जैसे मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ ना, तो मलाई में से मैं खोया भी निकाल लेती थी, मैं आपको बताती ही थी खोया भी। पर आजकल मैं खोया वगैरह निकाल नहीं पा रही, क्योंकि ना हमारे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, तो जिस वजह से ना मलाई खट्टी हो जाती है, तो उसमें से खोया निकल ही नहीं पा रहा है। पर सर्दियों में तो यह था, मलाई ज़्यादा खट्टी नहीं हो पाती थी, 15 दिन की मलाई इकट्ठे करके उसमें से घी भी निकल जाता था और खोया भी निकल जाता था। इधर मेरा घिया हो गया, उसमें मैंने बेसन डाल के सिर्फ उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है, नमक डाला, और थोड़ी सी अजवाइन को हाथों से अच्छे से मसल के हथेली से क्रश करके इसमें डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, 3-4 मैंने कट करके इसमें, तो अच्छे से मिक्स कर लिया। उधर मैंने एक कढ़ाई भी रख दी है गैस के ऊपर तेल गरम करने के लिए, और हमारी तो कढ़ाई गरम हो चुकी है, यानी कि तेल गरम हो चुका है। तो उसमें हम घिया के जो कोफ्ते हैं, मैं चम्मच की हेल्प से, कई लोग हाथों से कर लेते हैं, यार मैं हाथ से करने की कोशिश करती हूँ पर मुझसे होता ही नहीं है, मुझसे हाथ से पकौड़ियाँ बनती ही नहीं है, मुझे चम्मच की हेल्प लेनी पड़ती है। और ना मुझे ऐसा लगता है कि हाथों में बार बार बेसन लगता जाता है ना, तो फिर मैं बार बार उसे वॉश करती रहती हूँ, तो मुझे चम्मच से करना सही लगता है। तो बस मैं यहाँ से चम्मच की हेल्प से ही ना इसमें एक बार में जितने मुझसे डाले जाएंगे उतने मैं डाल दूंगी, और इनको अच्छे से पलट पलट कर मैं गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। और घिया के कोफ्तों को सिकने में थोड़ा सा मतलब फ्राई होने में टाइम लगता है, क्योंकि ऊपर से तो हो जाते हैं और ये थोड़े गिलगिले टाइप के रहते हैं, तो अच्छे से इनको मैं सेक तल लूँगी। और इसके बाद दो बैच और मैंने इसके बाद निकाले थे, और हमारे सारे घिया के कोफ्ते तल के तैयार हैं। जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल ही लिया है इसमें से, और उसी कढ़ाई में मैं वापस से सब्जी में तड़का लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसमें जीरा डाला है और थोड़ा सा साबुत धनिया डाला है और थोड़ी हींग डाली है। ये डालने के बाद मैं इसमें सारे सूखे मसाले कटोरी में निकाल लिए थे मैंने, लाल मिर्च, नमक, हल्दी। एकदम से इसको डालते ही मैंने जो मैंने पेस्ट बनाया है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का, वो इसमें डाल दूँगी, और देखिए कितना अच्छा कलर आया
आया, क्योंकि ये मैंने ऑयल में डायरेक्ट सारे सूखे मसाले डाले थे ना, लाल मिर्च वगैरह, तो बहुत अच्छा कलर आया है हमारी ग्रेवी का। जब लास्ट में आप सब्ज़ी देखेंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी, मतलब देखने में भी टेस्टी, खाने में भी टेस्टी थी। तो ये सब मैंने डाल दिया है इसमें पेस्ट वगैरह, अब इसको अच्छे से भुनने दूँगी। और ना ये नहीं कि एक दो मिनट मसाले को भुना और आपका मसाला तैयार है, जी नहीं, ये इतने से मसाले को भुनने में भी मुझे कम से कम 10 मिनट लग गए हैं, और 10 से ज़्यादा ही लग गए हैं। जो मैंने टाइम नोट किया उस टाइम, तो 10 मिनट मैंने नोट किया था, उससे पहले से मैं मसाले को भून रही थी। तो मसाले को मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, मसाले जितना अच्छा भूनेंगे ना सब्ज़ी में, स्वाद उतना अच्छा आता है। तो यहाँ नमक मैं डालना भूल गई थी, फिर मुझे याद आया अरे मैंने नमक तो लिया ही नहीं था, तो नमक भी मैंने इसमें अब ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छे से होने दूंगी मसाले को, यानी भुनने दूंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसमें से ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, कढ़ाई को मसाले ने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस अब हमें जितनी पतली सब्जी रखनी है, ग्रेवी कितनी पतली रखनी है, उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो हमारे घर में सबको थोड़ी पतली ही सब्जी पसंद है, तो मुझे छोड़ के। तो यहाँ पे मैंने उसमें देखिए ग्रेवी में जो मैंने इसमें ग्रेवी बनाई है उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम जो घिया के कोफ्ते में हमने फ्राई करके रखे हैं वो इसमें हम डाल देते हैं। तो आराम से डालती हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है भाई, आराम से जाओ। ठीक है, ये डाल दिए मैंने और इनको चला देती हूँ, और बस इसको 2-4-5 मिनट और पकाऊंगी और फिर गैस फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। हरा धनिया हो आपके पास तो वो डाल दीजिए, मेरे पास नहीं है तो बस इस तरीके से है। तो अब पूरा लास्ट लुक बाद में दिखाती हूँ मैं आपको। तो अब हम दिखाते हैं सब्जी का लुक, ये ऑयल जो एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिया था वो। तो देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ढक के रख देते हैं, वैसे हरा धनिया नहीं था यार, यानी और भी ज़्यादा अच्छी लगती। आटा भी मैंने मांड दिया है और बर्तन भी मैं वॉश करके आ चुकी हूँ। वेलकम बैक, और टाइम 9:30 हो चुके हैं, मैसेजेस आ गए बहुत सारे, और जस्ट काम वारा सारा क्या बोलने जा रही हूँ पता नहीं, काम मेरा सारा फिनिश हो गया है। सबने खाना खा लिया है और लाइट 7 बजे के आसपास आएगी, फ़ैन ऑफ करो ताकि आपको आवाज़ अच्छे से आए, फिर चला लूँगी। तो थोड़ी देर बैठते हैं, अभी जस्ट मैं किचन वगैरह क्लीन करके आई हूँ और बस, और टी शर्ट डाल ली है, ज़्यादा गर्मी, और यार एसी में से पानी टपक रहा है, ये कैसे अंदर से पानी टपक रहा है एसी में से, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और क्या के कोफ्ते अच्छे बने थे, पर मुझे ना आज भूख नहीं लगी, पता नहीं धुंधला क्यों आ रहा है, रुको एक सेकेंड, आ रहा है ना शायद लाइटिंग की वजह से हो रहा था। तो पता नहीं मैं आपसे क्या बात कर रही थी, भूल गई, हाँ घिया के कोफ्ते अच्छे बने थे पर मुझे भूख नहीं लग रही, शायद मैंने चाय लेट पी थी ना, चाय के साथ मैंने एक ब्रेड ले ली थी और थोड़ी सी नमकीन, तो इसलिए मुझे भूख ही नहीं लगी। और अब मैंने देखो काजल लगा लिया काफ़ी सारा, बहुत सारा लगाया, क्योंकि दिन में लगाती हूँ तो फैलता रहता है, उसे साफ़ करते रहो पूरी आँखें खाली हो जाती है। अब रात को या जितना मर्जी फैलना होगा फैलेगा, सुबह तो जो फेस को हम वॉश करेंगे अच्छे से तो ये क्लीन हो ही जाना है। और यह है, अब मैं बस आप लोगों से बात करने के बाद इनके पास कॉल करके पूछूंगी, क्योंकि इनका कॉल आ रहा था ना, तब मैं काम कर रही थी तो उठा नहीं पाई थी, फिर मैंने देखा मिस कॉल आ रखी है इनकी, तो इनको कॉल करती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास पूरी फुर्सत ही फुर्सत है तो आराम से बैठ के कॉल कर सकती हूँ। और बस यही है, और आपसे ना एक बात भी करनी है, पर मैं भी नहीं चाहती कि मैं भी आपको बताऊं, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है ना कि मैं अगर आपको बता देती हूं तो होता नहीं है, मतलब आपको बताने से नहीं, किसी को भी कुछ पहले से बता दूं ना तो वो काम होता नहीं है, तो इसलिए सोच रही हूं कि नहीं बताती हूं, जब होगा तब आपको पता ही चल जाएगा, तो पहले से नहीं बता रही हूं। तो कुछ है, तो कुछ है से आप समझ जाइए कि कुछ होने वाला है, पर मैं आपको ये कह रही हूं कुछ होने वाला है, पता चले ना ही हो, पर फिंगर क्रॉस हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए यही कहूँगी। जिस काम के लिए जा रही हूँ काम भी सफल हो जाए ये भी कह रही हूँ, जा रही हूँ, आप समझ गए होंगे कि कहीं जा रही है, तो पता चल जाएगा आपको कि कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। तो उसके लिए आप व्लॉग में मतलब बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, काफ़ी दिनों से नहीं बोल रही, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब ये तो बोलती हूँ, लाइक कीजिए शेयर कीजिए पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यार सब सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के आइकन को साथ के साथ दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो
आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करें। और मेरे पास कमेंट आ रहा है कि आपकी पेमेंट आती है, तो भाई मेरी कोई पेमेंट वगैरह नहीं आ रही है, कोई पेमेंट नहीं आती है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी कोई पेमेंट नहीं आती है, जब जब कभी आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हैं और मैं आपके साथ अपने अच्छे पल, जैसे कि मैंने बोला, अपनी खुशियाँ, अपने अच्छे पल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए, अच्छे पल लाने के लिए आप सपोर्ट कीजिए। आप ना यार मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल जल्दी से ग्रो हो। आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो इंटरेस्टेड है व्लॉग टाइप की वीडियोज़ देखने के लिए। तो कल मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, नई होप, नई आशा, नई मगर नई जर्नी के साथ। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मैं डर जाती हूँ अचानक से कि पता नहीं क्या हुआ, और लोगों का कमेंट आता है कि दी आप अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता? जी लगता है, पर डर के आगे जीत है, और अब आदत भी हो गई है। ऐसा नहीं है कि डर, शुरुआत में तो बहुत बहुत ज़्यादा लगता था, पर अब आदत हो गई है, अब आदत हो गई है, क्योंकि भाई पता है कि ये काम है तो करना है, तो इस तरीके से रहना तो आदत पड़ चुकी है। तो कोई नहीं, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। प्लीज़ इसी तरीके से अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना साथ बनाए रखें, और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।